लाइफलाइन नर्सिंग होम एवं जर्नल हॉस्पिटल प्राइवेट व जर्नल वार्ड एवं एम्बुलेंस सुविधा प्रत्येक शुक्रवार शनिवार व रविवार को स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सुविधा। हमारा पता है विद्या विहार कॉलोनी के बाजू में सहजपुर तेराहा देवरी। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। हिंदुस्तान में पुलिस का वो जलवा है कि अच्छे से अच्छे अपराधियों के हौसले पस्त पड़ जाते हैं, लेकिन आज हम उसी पुलिस को ऐसे रूप में देख रहे हैं कि पुलिस डरती है। डरती किससे है आप देखकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुर्खी क्षेत्र से जुड़ी है, सुर्खी थाने से जुड़ी है, जहाँ की पुलिस भूतों से डरा करती है। आज से नहीं बल्कि 6 साल से तकरीबन वो भूतों से डरी और सहमी है और उन क्वार्टर्स में नहीं रह रही है जो क्वार्टर्स पुलिस के लिए आवंटित किए गए थे। 2014 से ये क्वार्टर्स वीरान पड़े हैं क्योंकि बताया जाता है कि वहाँ भूतों का साया है और डरती है पुलिस भूतों से। तो देखिए इस खास रिपोर्ट को कि वो पुलिस जिससे अच्छे अच्छे लोग डरते हैं वो भूतों से डरा करती है। स्पेशल रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। यह जगह सुनसान है, इस वीरान जगह पर इंसानी जिंदगी क्या, परिंदे भी आने से खौफ खाते हैं। लोगों की जुबानियां हैं, ऐलानियां बात कहती है कि कुछ मंजर उन्होंने अपनी आंखों से ऐसे देखे हैं कि इस जगह पर एक नहीं बल्कि कई आत्माएं रहती हैं। आप चौंक जाएंगे तब जब यहाँ आने से पुलिस बेखौफ खाती है। आप अब हैरान हो जाएंगे कि यह क्वार्टर्स पुलिस के क्वार्टर्स हैं और 8 साल गुजर जाने के बाद भी पुलिस यहाँ रहने को खतरा रही है। पुलिस भूतों से डर रही है, वो पुलिस जिससे अच्छे से अच्छा चोर बदमाश डरता है, खौफ खाता है, वो पुलिस भूतों से डर रही है। असल में भूतों के साये में इन मकानों की कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुर्खी थाना से जुड़ी है। सुर्खी पुलिस थाना के स्टाफ के लिए यह सरकारी क्वार्टर 2004 में 40 लाख की लागत खर्च कर यहां बनवाए गए थे। हाउसिंग बोर्ड ने वर्ष 2018 में यह क्वार्टर पुलिस के हैंडओवर कर दिए थे। तब से लेकर अब तक पुलिस रहना तो दूर इस जगह पर पैर नहीं जमा पाई है। यह मकान खंडर हो चले हैं। सरकार और प्रशासन को यहाँ की पुलिस घाटे पर घाटा दे रही है। यहाँ के स्थानीय बासिंदे कहते हैं कि यहाँ उन्होंने कई प्रकार की आत्माएं देखी हैं। कुछ ऐसी घटना हुई है कि लगे कि इस क्षेत्र पर बुरी आत्माओं का साया है। सुबह कितने ऊपर आवाज आते, ऊपर सो सुन आवाज आते, बुखार मुखार चढ़ा तो यार हम तो डरा गए कि यहाँ बुखार चढ़ा भग गए। हमें नहीं देखो सुनी, हमने बहुत है कई भूत रहे थे, हमें सुनी बहुत है पूरे में सुर्खी में कोई से बोली जाए क्या भूत रहे थे हमें। फिर 2-3 दिन बाद एक लेडीज के लाने लग गया तो कोई भी सुपर उन्हें ठीक कर दो। तो लेडीज को क्या हुआ था, कोई ऊपरी ऊपरी चक्कर होगा तो गेहूँ काट रही थी यही बारी तो इसी बिल्डिंग की। हाँ, फिर उन्होंने भगूती अभूती देकर सही कर दो उनके लाने। फिर 2-3 दिन बाद जो तूफान आ गया। क्या है आखिर इसमें न रहने का कारण क्या है? रहने का कारण ये है, आदमी बोलते हैं इसमें भूत पलित रहते हैं, शासन ने करोड़ों की लगत लगाई है तभी तो आदमी इसके नाम पे डरते हैं नाम लेने से। इसमें हमने कम से कम सुना 100-200 लोगों से। सरकार को पैसा फंसो को रीत करा थे नहीं में। आखिर कारण क्या है कि लोग यहाँ रहते क्यों नहीं? वो क्या भूत रीत है, कहीं ऐसा किसी महसूस किया है? जा अपन ट्राई नहीं करी, नहीं रहे आए अपन कबो।
वो तो तकत तक न्याय नहीं, भूत की भूत कहते हैं उसे। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज शासन काल में बहुत से लोग यहाँ से गुजरते थे, तब उस वक्त कुछ लोगों को अंग्रेजों ने मारकर यहाँ दफना दिया था, शायद वही बुरी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। यहाँ स्थानीय शमशान घाट भी कई साल पहले था जो अब नहीं रहा। कुछ घटनाओं में एक व्यक्ति की यहाँ रहस्यमय मौत का भी जिक्र होता है। पुलिस इन क्वार्टर्स को छोड़कर खप्पर छाए टूटे फूटे मकानों में रहने के लिए मजबूर है। इस देश में अजब तरह की तस्वीर होगी जब पुलिस भूतों से डरती है। इन क्वार्टर्स की वीरानी देखकर यहाँ गैर कानूनी काम हो रहे हैं। यहाँ शराब पीने का अड्डा बना हुआ है, नौजवान लड़कियों को यहाँ लाकर अय्याशी करते हैं। इस मामले में पुलिस कप्तान अमित सांगी ने सुर्खी पुलिस को फटकार लगाते हुए निर्देश जारी किए हैं। इन खंडर होते क्वार्टर्स की रिपेयरिंग करवाकर इनमें वो रहे उनका किराया भत्ता भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। जो सुर्खी में शासकीय आवास पुलिस कर्मियों के लिए बने थे, ये काफी पहले बने हुए थे और उस वक्त थाने से इनकी दूरी थी, तो सामान्यतः स्टाफ छोटे थानों में कम रहता है, तो लोग वहीं थाने में और उसके आसपास ही रहे। बाद में चूंकि बस्ती वहां तक पहुंच गई है और उसके बाद ये चूंकि बहुत दिनों तक सालों तक ये क्वार्टर्स में कोई रहा नहीं, तो उनकी हालत बड़ी ख़राब हो गई और अभी मेरे द्वारा पुलिस हाउसिंग के अधिकारियों को बोला गया है और साथ में थाने पर भी बोला गया है कि स्थानीय स्तर पर पंचायत और अन्य विभागों की मदद लेके इसको क्वार्टर्स को ठीक कराएं और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के अंदर थाने का कुछ स्टाफ उसमें रहने लगेगा। उम्मीद है पुलिस अपनी बढ़ती की ताकत पहचानेगी और इन क्वार्टर्स में रहने लगेगी। इस जमाने में बढ़ती वो बला है जिससे जिंदा आदमी क्या भूत भी डरते हैं। पुलिस अपनी ताकत शायद भूल गई है। पुलिस ओरिजिनल रूप में भरा आ जाए तो यहाँ फिर असामाजिक तत्व क्या भूत भी अपना डेरा लेकर भाग जाएंगे। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सुर्खी।